हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है और एक्सेल में क्या खास है आइए आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास एक शीट है। अब पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करता हूँ, तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 है, हम इसी पर काम करेंगे। अब हमारे पास एक डेटा है, वो डेटा क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। डेटा देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको रोल नंबर दिखाई पड़ रहा होगा, फिर नेम ऑफ स्टूडेंट है और नेम ऑफ स्टूडेंट छिपता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, कॉलम हेडिंग के ठीक ऊपर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर बीच में आके, तो ये रिसाइज हो जाता है और फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम दिए गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम किसी रो पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट नहीं होता है, हमें यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करना होता है, सेलेक्ट करना होता है पहले, और सेलेक्ट करके तब हम इस पे क्लिक करते हैं, तब ये जो है येलो कलर में हाईलाइट होता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे क्लिक करते ही ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए, तो इसके लिए क्या करना होगा आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। सकते हैं आप, थोड़ा सा चेंजेस मैंने किया है, ठीक है, और मैं जिस पे भी क्लिक करता हूं वही सेल केवल सेलेक्ट होती है। देखिए यहां पर क्लिक किया तो ये वाला पूरा हाईलाइट हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए ऊपर वाले पे करते हैं तो ऊपर वाला ये पूरा हाईलाइट हो गया, अब नीचे वाले पे करते हैं तो नीचे वाला पूरा हाईलाइट हो गया। देखिए यहां पर जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं केवल वही रो हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है, तो ये हुआ कैसे, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा आपको देखना है ध्यान से। देखिए यहाँ पर सेम डेटा मैंने कॉपी किया है, को कॉपी नहीं किया है, बाकी पूरा डेटा आपका सेम है, ठीक है। डेटा देख सकते हैं, ये पूरा डेटा सेम वही डेटा है, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम यहाँ पर आते हैं, देख सकते हैं ये जूम कर दिया मैंने इसे, यहाँ पर आते हैं देखिए, यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये कोई हाईलाइट नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करने से कोई हाईलाइट नहीं हो रहा है, यानी फॉर्मेटिंग अभी अप्लाई नहीं करी गई है। तो आपको क्या करना है, कहीं पर भी डेटा में क्लिक करके कंट्रोल ए कर लेना है, यानी पूरा डेटा को सेलेक्ट करने के लिए ये हमें करना है, और ये करने के बाद आपको होम टैब पे रहना है। होम टैब पे रहते हुए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, और जैसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं तो ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, छठवें ऑप्शन पे आना है, यानी न्यू रूल पे आपको आ जाना है। क्लिक जैसे ही करते हैं तो ये विंडो ओपन होती है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन है ना, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, तो यहाँ पर क्लिक करके एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला तो हमेशा इज इक्वल टू से शुरू होता है, इस बॉक्स के अंदर इज इक्वल टू लगाइए और यहाँ रूम का फॉर्मूला लगाइए, ब्रैकेट को ओपन करिए और क्लोज कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ इक्वल टू लगाइए और सेल का फॉर्मूला लगाइए, यानी पहले क्या लगाना है आपको, पहले आपको रो का फॉर्मूला लगाना है, देन आपको सेल का फॉर्मूला लगाना है, और सेल के फॉर्मूले में यहाँ पे रो को डॉटेड कॉमा में लिख दीजिए, ये हो गया। तो इतने से आपका काम हो जाएगा, और यहां पर आपको फॉर्मेट में आकर के जिस भी कलर में आप हाईलाइट करना चाहते हो, सपोज कीजिए मैं इसी कलर में हाईलाइट करना चाहता हूं, ये थोड़ा सा ये वाला कलर, ठीक है, इस कलर में हाईलाइट करना चाहता हूं, तो यहां से ओके कर दिया आप जाकर के, और यहां पर भी आपको क्या करना है, ओके कर देना है। तो अभी आपको एक जो रो है वो हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा सा कोडिंग भी करनी होगी, ठीक है। तो यहां से अल्ट के साथ F11 प्रेस कीजिएगा फंक्शन बटन, और यहां पर आपको लिख लेना है टारगेट डॉट कैलकुलेट, ठीक है। ये टारगेट डॉट कैलकुलेट जब लिख लेंगे, और यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि ये वर्कशीट रहेगा, जनरल नहीं रहेगा, आमतौर पे ये फॉर्मेट जनरल रहता है तो ये काम नहीं करेगा, तो यहां पर आपको वर्कशीट ही रखना है। और अब आप देखिए कमाल कि यहां पर जिस पे भी क्लिक करेंगे केवल वही वाली जो रो है वो हाईलाइट होती हुई नजर आएगी। देखिए उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।